शिव कथा कहती है जब अच्छा खाओगे तो शरीर में भी अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छा खाने पर शरीर में भी अच्छा रहेगा। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है कि अच्छा स्मरण करने पर, अच्छा भजन करने पर, अच्छा कीर्तन करने पर, अच्छा मंत्र स्मरण करने पर भी ये शरीर के अंतर्गत इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटे से मनुष्य के शरीर में, मानव की देह में परमात्मा की जो अविरल भक्ति है वो एक सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है महाराज। और वो भक्ति एक निवेदन शरीर से, जहां जहां पानी आ रहा है आप लोग वहां से हटकर जहां पानी नहीं आ रहा है जिस जिस शेड में, सारे शेड बहुत बढ़िया हैं, जहां टेंट के नीचे वाले लोग हैं वो शेड में आराम से पहुंच जाएं और किसी को भी एक दूसरे को कष्ट ना देते हुए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, अपने को आनंद के साथ श्रवण करना, किसी को कष्ट नहीं देना, बस जहां जगह मिलती जाए वहां पर बैठ के चले जाइए आनंद के साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथों से खाली से काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, काशी नगरी आई हूँ, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा देवतिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें और भगवान से प्रार्थना करें, बाबा आपकी कृपा से तर्पण शिव महापुराण की कथा अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रवण कर रही हूँ, सभी पूर्वजों का उद्धार हो ऐसी कृपा बनाकर रखिएगा देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप आप सभी अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, एक जैसे बैग के अंदर स्कूल जाते समय अपने बैग में एक कॉपी होती है जिसको हम रफ कॉपी बोलते हैं, जिसको रफ कॉपी बोला जाता है, और उस कॉपी में सारे सब्जेक्ट, उस कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, चाहे आप गणित लिख लो, चाहे हिंदी लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख लो, चाहे संस्कृत लिख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस कॉपी में जो लिखना हो, क्योंकि उसका नाम ही रफ कॉपी। रफ कॉपी के अंदर सब लिखा जा सकता है,
सब समाया जा सकता है, सब सब्जेक्टों का भार तत्व उस कॉपी के अंदर रहता है। शिव कथा कहती है उसी तरह परिवार में, घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरे परिवार का भार होता है, पूरे परिवार का। शिव कथा कहती है, पर कभी मन में ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे घर को चला रहा हूं, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूं, या मैं इस कार्य को कर रहा हूं या उस कार्य को मैंने करा। ये मन में ये बात आना ही नहीं, मन में ये भाव प्रकट होना ही नहीं चाहिए। महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, रिश्ते में चला रहा हूं, नाते में चला रहा हूं, या मैं पूरे परिवार को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो यह कुछ भी नहीं होता। ये मन का भ्रम निकाल दिया जाए। भगवान कृष्ण भी गीता में वर्णन करते हैं महाराज, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता जी में, अर्जुन तू कह रहा है कि ये सामने खड़े हुए भीष्म पितामह, सामने खड़े हुए ये कौरव, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये सामने खड़े हुए दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये सब मेरे अपने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं मानता हूं कि ये सब तेरे, पर अर्जुन ये भ्रम निकाल दे कि ये मेरे हैं, अगर तूने शस्त्र नहीं चलाया, तूने कोई धनुष उठाकर एक बाण भी नहीं चलाया, तो अर्जुन ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये तू नहीं चलाएगा तो ये चलाकर तुझे नष्ट कर देगा, ये चलाकर तुझे नष्ट कर सकता है। इसलिए है अर्जुन, मैं और मेरे का भेद निकाल दे। जैसे युद्ध के मैदान में सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार हो, कुटुंब हो, नाते हो, रिश्ते हो, और ये संपूर्ण जितना हमारा भरा पूरा परिवार है, इस परिवार में मैं का जो संबोधन है कि मैं कर रहा हूं या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, इस संबोधन को निकाल देना चाहिए, इस संबोधन को निकाल देना। एक बड़ा सुंदर संवाद, व्यक्ति के जीवन में अभिमान, थोड़ा क्रोध, थोड़ा काम, थोड़ा लोभ, थोड़ी आसक्ति, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना क्यों रह जाता है? जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, एक विचार अपने मन में लाइए कि सबका नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग हुआ करता है। किसी को क्रोध आ जाता है, किसी को गुस्सा, किसी को लोभ, किसी को आसक्ति, किसी को तृष्णा, किसी को वासना, कोई किसी को घाटा पहुंचाना चाहता है, कोई किसी को कुछ कहना चाहता है, ये कारण क्या होता है? इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है इसका? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंत में मनुष्य की देह मिलती है। त्रियासी लाख 99,999 जन्म हम लेने के बाद में अंत में मनुष्य की देह में पहुंचते हैं, अंत में पहुंच रहे हैं।
देखिए त्रियासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे जन्म हमारे जो पूर्व में निकले हैं, कभी हम जो कभी स्वान कभी पशु कभी पक्षी कभी जलचर कभी थलचर कभी वायुचर जो भी हम बने पूर्व में जो हम बन चुके और ना जाने कितने जन्म लेते 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 अंतिम बिंदु त्रियासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे जन्म के बाद आखिरी का जो जन्म मिला है वो मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है गुरुजी जब देखो जब ये खाने दौड़ता है, कोई कह देता है गुरुजी जब देखो जब ये कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ऐसा हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हींग की जो डब्बी होती है ना जिसमें अपन हींग रखते हैं, उस हींग की डब्बी में जिसमें अपन ने हींग रखी, तुम किसी भी डब्बी में हींग को रखकर देखना और डब्बी को बाद में खूब धो लेना, अच्छे से धोने के बाद खूब साफ कर लेना सरफ से साबुन से शैंपू से तुम्हारी मर्जी पड़े विम से, उस डब्बी को खूब धो लो और कितना भी धोने के बाद उस डब्बी को उठाना, धुलने के बाद जब सूख जाए फिर सूंघना, हींग की बदबू जाएगी क्या? जम के तो बोलो जरा, जितने लोग पीछे तक बैठे सब जम के बोलो हींग की बदबू जाएगी? नहीं जाएगी। हींग की बदबू हींग की खुशबू उस डब्बी में रहेगी, भले थोड़ी रहे थोड़ी मात्रा में रहे चाहे एक अंश रहे, पर हींग की खुशबू हींग की बदबू उस डब्बी में रहती ही है। उसी तरह जो पूर्व में हम जन्म लेकर आए हैं, कभी हम स्वान बन गए कुत्ता बन गए, कभी हम गधा बन गए घोड़ा बन गए, कभी हम छिपकली बन गए, कभी हम शेर बन गए, कभी हम जो बनना हिरण कभी लोमड़ी, हम जितने जन्म लेकर आए हैं उस जन्म की थोड़ी ना थोड़ी गंध इस शरीर में रहती जरूर है, ये निश्चित है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर में अगर कहीं ना कहीं मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत जगह पर जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हमारे जीवन में रहना चाहिए कि वो हींग की डब्बी को कितना भी धो लो कितना भी साफ कर लो पर हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आ ही जाती है। उसी तरह ये मनुष्य देह में पूर्व में जो हमारे जन्म हुए, कोई शेर बना था इसलिए आज भी जरा सी लड़ाई होती और शेर जैसा दहाड़ने लगता है, कोई चूहा बना था तो जरा सा विवाद हुआ और वो के अंदर छुप जाता है, कोई जरा जरा सी बात में तुम अच्छी जगह जाना चाहते हो और तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तो ये तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी जो पूर्व समय की सुगंध रह गई है, पूर्व समय के जन्म का जो थोड़ा सा अंश रह गया है वो अंश हमारे शरीर से हमें गलत जगह पर ले जाता, तुम नहीं लेकर जा रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे। अब जो आप सुन रहे हो आपके पूर्वज पांव धोकर आपको तर बतर कर कर धन और दौलत में विदा हो रहे हैं, यही बाबा की कृपा, ये कृपा है शिव, ये उसकी उदाहरण। और आप भी बस दिल से उससे निवेदन करते रहो, भोला सब दुख ओ भोला शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटू हारा, ओ भोला सब दुख काटू हारा। शिव कथा कर इस शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी पूर्व के जन्म की गंध रह जाती है, उसके कारण हमारे भीतर काम हमारे भीतर अहंकार हमारे भीतर लोभ हमारे भीतर थोड़ा सा अहम आ जाता है, हम नहीं भी चाहते तो भी वो आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर
वो क्रोध जागृत हो ही जाता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, स्मरण करना, कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे, सुन लो आस्था वाले जितने लोग श्रवण कर रहे फेसबुक यूट्यूब पर, और आप भी कई अच्छे दिखेंगे, पर हो सकता है आपके करीब में आकर, आपके नजदीक आकर आपको काटने का, आपको घात पहुंचाने का क्रम कर रहे हो सकता है। कारण शिवपुराण कहती है वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर जो पूर्व समय में लोमड़ी बना था, पूर्व समय में वो लोमड़ी बनकर उसने जो चालाकी कर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घात पहुंचाया था, वो लोमड़ी का थोड़ा ना थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रह गया, इसलिए वो आपको भी कहीं ना कहीं घात पहुंचा जाता। तो शिव कथा एक बात कहती है, भरोसा सब पर करो। शिव महापुराण, भरोसा सब पर करो, परशु पुराण कहती है विश्वास केवल देवदेव महादेव पर करो, विश्वास केवल देवदेव महादेव पर। वो जीवन बीमा निगम वाले कहते हैं, और बीमा करने आते हैं तो बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, पर सही मायने में देखा जाए तो शंकर जी के सिवाय कोई ना तो जीवन के साथ है और ना जीवन के बाद है। मरने के बाद पूरा परिवार तुमको शमशान में छोड़कर आ जाएगा, अकेले चिता पर हड्डियां चटर चटर कर रही होगी और आग लग रही होगी, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई। उस समय पर कोई नहीं आने वाला, जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव चल रहा है, तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सुख दुख में देव अधिदेव महादेव चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में अंत बिंदु तक खड़ा हुआ है, अंत। जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी है, बैठते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठते चले जाओगे तो एक आनंद का अनुभव होगा आपको महाराज। एक जीवन का आनंद यही है, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी, साथ में भी चल रहा है और बाद में भी चल रहा है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, चाहे कोई आए ना आए, अंत समय तेरा आना है महाराज। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को देखा, अचानक आज ब्रह्मा जी आए हैं, कारण क्या है? एकदम अचानक आज ब्रह्मा जी आ कैसे गए, क्यों है? कहा महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे यह मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, पर भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे अपने पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हैं, पर मुझे यह नहीं मालूम कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता हैं अर्थात ब्रह्मा जी के दादाजी, कौन आखिर है कौन महाराज? ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। मेरे पिता कोई दूसरे नहीं, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता हैं।
अगर देव अधिदेव महादेव आपके पिता हैं तो एक बार मैं उनका साक्षीकरण करना चाहता हूं, एक बार मैं उनको अपने सामने देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर आपने बुलाया और तुरंत देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो जाएं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारायण खुद कह रहे हैं कि मैं विष्णु, मैं नारायण, आप अगर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुमने राम जी को बुलाया, राम जी आकर खड़े हो जाएंगे। तुमने कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं तुम मुझे बुलाओगे, मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि शंकर भगवान का आगमन, भगवान शिव का प्रवेश, भगवान शंकर का आना कोई इतना सरल नहीं है। शिव का आना इतना सरल नहीं है भाई, आप सब भी बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप कथा सुनने तो आ गए और बड़ा जोरदार घर से निकली थी तो पानी की बॉटल, रुमाल, बेग और बचा कुचा था तो थोड़ी सी सुपाड़ी कि महाराज जी कथा कहेंगे, और मान लो अगर थोड़ी सी भी नींद आई तो मुंह में धर के तो तुम भले तुम पानी की बॉटल लेकर, बेग लेकर, अपना सामान लेकर, साथ में छोटे छोटे बच्चे तो बच्चों का भी सामान देख के अंदर टॉफी बिस्कुट कुरकुरा, जैसे ये रोना चालू कर और तुमने निकाल के दिया और उन्होंने खाना चालू करा। अच्छा बच्चे भी इसका बहुत फायदा उठाते हैं, इनने देखा कि कुरकुरा पूरा हो गया फिर पेपे करना चालू करा, और जैसे पेपे करना चालू करा इसने फिर निकाल के दूसरा पैकेट दे दिया बिस्कुट का। अब शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप घर से तो निकल गए, घर से तो चले गए, घर से आप पानी की बोतल भी ले गए, सामान भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, कथा में जाकर बैठ भी गए, पर घर के जितने पितर हैं, घर के जितने पूर्वज हैं, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा में मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा इसको अर्चन उत्पन्न करो, चिमटी खोड़ो, ये कथा सुनेगा नहीं तो अपन जाएंगे नहीं, अपन नहीं की। तुम चले भले गए हो, कथा में पहुंच भी गए हो, पर मन चित्त वृत्ति ये लगाना बड़ा कठिन, बड़ा बहुत कठिन। आप पहुंच भले जाओ, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, वो राम मैंने बेलपत्री तो उठा के लई, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं, फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई, फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के ले आती, बेलपत्र उठा के ले आती, ये मन की विलास। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटी देवी देवताओं का आवाहन करिए, 33 कोटी देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीओर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ, जिसके यहां भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भैरू जी आता, कोई कहेगा इनके शरीर में ये आता। और तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जमके, सुना कहीं? नहीं, क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा ला के धर दिया कि खा के बता, नहीं अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा ला के रख दिया, ले खा, और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे ला के रख दिया कि खा, और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया, चक्कर खाने नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल गया। तो सब आ सकते हैं पर महादेव, जम के बोलो जरा, नहीं आ सकते, बहुत कठिन है।
33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ, शंकर जी से पूछा, क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले, जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किसी महाराज सत्यम शिवम, जम के बोलो सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई। अपने आप, कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गए। केवल सत्य जीवन में आया, शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवाधिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, ती अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो। सम्मुख में कभी नहीं आता, जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना, आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी, बेटी अच्छी जगह ब्याह कर चली गई, और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, पर सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। सम्मुख में आकर अगर बोल दिया तो उसकी श्रेष्ठता खत्म। भगवान शिव, सारे देवता, जितने भी देवी देवता, वो देते हैं तो पल्लू झाड़ कर देते हैं, पर जब मेरा महादेव देता है तो छपर फाड़ कर देते हैं। उसके देने का तरीका ही अलग है। अड़भंगा अलमस्त अपने आनंद के साथ में निवास करने वाला बैठा हुआ है अपनी मस्ती में, उसे कोई मतलब किसी से, किसी से मतलब नहीं, बस। आपकी जो भक्ति है, आपका जो स्मरण है, आपका जो मंत्र जाप है, आपका जो नाम जाप है, उससे जो मिलता है, मेरा शिव इतना दे देता है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अभी साला सर जी में कथा थी तो एक बात कही थी कि दुनिया के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा एक बार अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात मेरे देव अधिदेव महादेव से जाकर कह दो, वो तुम्हारी झोली अपने आप खुशियों से भर देगा, तुम्हें किसी और जगह कहने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा। आप हृदय से, चित्त से, मन से, शिव से जो कह रहा है उससे मिलेगा। आप जरा विचार करिए, वो 12 साल से दवाई खा रहा है और डॉक्टर को हर बार दिखाने जा रहा है, उसमें लिखा है, और हर बार डॉक्टर कहता है ये ब्लॉकेज रहेगा, दवाइयां खाना पड़ेगी, दवाई खाओ, पर एक विश्वास मेरे शंभू का, एक विश्वास मेरे शंकर का,
और एक विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर करा तो वो 12 साल से चल रही गोली दवाई भी बाबा ने बंद करा दी। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। कहो आप दिल से, ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें टाइम पास करने जाना, ऐसे ही नहीं जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें भीड़ बढ़ाने जाना, ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें कहीं किसी ने बुलाया होगा तो हमें जाना। नहीं, शिव महापुराण की कथा में इस मंडी प्रागण्य में आप अगर पांव रखे हो और शिव महापुराण की कथा, भले पानी गिर रहा, जल वृष्टि हो रही, धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही, पर आपने दिल लगाकर अगर शिव महापुराण की कथा को सुना है तो केवल कथा नहीं है, शंकर भगवान तो कुबेर का भंडार लुटाने के लिए बैठता है। हो सकता है आप हृदय से सुने, उसको धारण करें, अपनी चित्त वृत्ति में उतारे। ब्रह्मदेव, भगवान शंकर का दर्शन नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी ने कहा फिर शिव का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन हैं? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई, मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा, सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा? कहां चरण, कहां शीश? पता लगाया भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर आऊं, इस शिवलिंग का आखिरी सिरा देखकर आना और भगवान शंकर का चरण भी देखकर आना। आप कहां जाना पसंद करेंगे? भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु कहते हैं मैं अपने पिता का सिर नहीं देखना चाहता, मैं अपने पिता का चरण देखना चाहता, इसलिए मैं ऊपर की ओर नहीं जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा और भगवान देव अधिदेव महादेव के उस शिवलिंग का चरण ढूंढ कर आऊंगा कि भगवान का चरण कहां है। भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं। चलते 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 भगवान विष्णु जो नीचे गए थे उनको भगवान का चरण नहीं मिला, वो वापिस आकर खड़े हो गए, पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते चले गए और ऊपर और ऊपर और चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऊपर ब्रह्मा जी पहुंच गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला, सिरा नहीं मिला, आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने विचार करा और भगवान विष्णु को चरण मिल गए होंगे और मुझे सिर नहीं मिला, मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, मन करता है एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। कई माताएं ऐसी हैं जिनका मन करता है कि मैंने सीवर वाले महाराज के मुंह से सुना एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए शंकर भगवान को, मन करता है जाने का, पर कई बार मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है, पड़ोसन देखेगी तो कहेगी बताओ ये भी पगली हो गई, ये भी चल रही शिव मंदिर, ये भी बांवरी हो गई। नहीं, शंकर के मंदिर जाने में, शिव के द्वार जाने में, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में हमें शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हैं। हमें यह गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जब चाट वाले के ठेले पर खड़े होकर जो पल्लू तुम्हारा यहां रहता है वो यहां धरकर गोलगप्पा खाने में शर्म नहीं आए, बफेट में गुलाब जामुन निपटाने में शर्म नहीं आए, और तो और सारी दुनिया में जरा सी कोई कुछ कह दे तो झगड़ा करने में शर्म नहीं आए, तो मेरे देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने में काहे की शर्म आना? सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, फिर क्या शर्म?
कहते हैं ना, भोले मेरे भोले रे, एक लोटा जल मेरा भूल नहीं जाना रे। एक लोटा जल जो हमने शिव को समर्पित करा है, वो भले किसी भी भाव से करा, किसी भी भाव से, उसका फल मिलता जरूर है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? रात उठाओ, सब जाते हो? रखिए रखिए, हर हर, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। और बिना संकोच के, बिना शर्म के, बिना संकोच और बिना शर्म। और फिर कह रहे हैं, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। ये मत इंतजार करना कि पंडित जी झाड़ू लगाएंगे, कि पंडित जी मंदिर को साफ करेंगे। आप दिल से मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना प्रारंभ कर दो। काम धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तब तक मेरे देव अधिदेव महादेव की थोड़ी सी नौकरी बजाना चालू कर दो। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहीं ना कहीं लगा ही देगा। आप करो आप उससे निवेदन तो करो। कोई एकांत में शंकर भगवान का मंदिर है जहां कोई नहीं जाता, वहां तुम जाना चालू करो। वैसे तो कहीं का मंदिर बच्चा नहीं होगा ऐसा कि जहां कोई नहीं जाता होगा। महाराज ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मेरे को नीचे जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, भगवान विष्णु कहेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, क्या करा जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने एक केतकी के फूल को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प को तोड़ा, उससे कहा कि तू चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गए। केतकी का फूल बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सारे देवी देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा और तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। ठीक है, अब ब्रह्मा जी और आगे बढ़े तो केतकी के फूल ने कहा मान लो मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो। सामने से गौ माता आ रही थी, गाय आ रही थी। गौ माता को देखा ब्रह्मा जी ने और गौ माता को रोक कर कहा गौ माता आप हमारे साथ नीचे चलिए, भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलने में मेरा क्या फायदा है। व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है कि उसका कुछ ना कुछ फायदा हो। मैं झूठ क्यों बोलूं, तो कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो गौ माता तुझे प्राप्त हो। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। और यहां पे भी बहुत सारी गौ माता बैठी हैं जो दुकान पे बैठकर एक रोटी के चक्कर में दिन भर झूठ बोलती है, दिन भर एक रोटी के चक्कर। महाराज नयन जल, गौ माता भी आई, केतकी का फूल भी आया, भगवान ब्रह्मा भी आए। ब्रह्मा जी ने आते से सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा कि आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया। भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। विष्णु भगवान ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर ने कह दिया नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा, तुम्हारी घर घर पूजन होगा। एक सत्य बोला इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा, तुम्हारी घर घर में पूजन होगी। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया। कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, कभी तो हुई होगी, हुई है? चलो रखो, सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें पांच अध्याय सुनाते हैं। बोलो, पहला अध्याय सुनाया एक ब्राह्मण के घर पर एक लकड़हारे ने कथा सुनी, बोलो सही है कि गलत है। दूसरा अध्याय फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी, फिर तीसरा अध्याय
उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी, फिर चौथा अध्याय उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी, पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो पांच अध्याय में नहीं आई, तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, केतकी का फूल, गाय, सबको लेके ब्रह्मा जी आए। नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी, एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम पत्र को लगाकर केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो पांच अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई, वो कथा कौन सी थी? वो कथा कथा ये। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा। दुनिया के सारे मंदिर में, दुनिया की सारी भूमि पर, दुनिया की सारी जगह पर जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाएगी पूरी जिंदगी। ये अदालत, ये पंचायत, ये पंच, ये तो सब बाद में बने, इससे पहले तो गांव के लोग निर्णय कराने के लिए शंकर जी के मंदिर लेके जाते थे। बोलो रे जितने बैठे हो पुराने, सबको मालूम होगा जरा सा कोई काम बिगड़ा, चल शंकर जी के मंदिर में उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। ना पहले पंचायत होती थी, ना पहले अदालत होती थी, ना कोई निर्णायक मंडल होता था, केवल एक निर्णय होता था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। कारण क्या था? क्योंकि स्कंद पुराण, शिव पुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराण एक बात कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल लो, पर शंकर के द्वार पर झूठ मत बोलना। शिव के द्वार पर झूठ बोला तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने झूठ बोल दिया, और क्या झूठ बोला? कि मुझे शिव जी का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी ने जैसे बोला तो शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने बात स्वीकार नहीं करी, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है शंकर भगवान का? केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता। कितना सुंदर वर्णन लिखा है स्कंद पुराण में कि आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई सामान ना मिले तो आप 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, पर केतकी का फूल कितना भी सुंदर हो और कितना भी अच्छा हो पर शंकर भगवान को चढ़ाकर मत आ, तुझे श्राप देता हूं केतकी। इतनी देर में ब्रह्मा जी बोले कि आकाशवाणी झूठी है,
ना मानो तो गौ माता से पूछो कि गाय बता क्या ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला। इतने में गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया कि यह आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के सिर का दर्शन हुआ है। इतना सुना तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को, शिव जी ने श्राप दे दिया, ए गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जगत की माँ कहलाती है, तू जगत की माँ कहलाती है, दुनिया तुझे पूजती है, गौ माता दुनिया तेरे चक्कर में पड़ी रहती है, लोग तुझे पूछते हैं तो दुनिया में मां कहलाती है, तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है तेरा वो मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है, पूंछ से चालू होगी पूंछ पर विराम, और सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्या दान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्या दान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था, ये झूठ बोल दिया, एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़। ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली उसका स्मरण कर लिया, जितनी भी कथा इससे पहले बाची है उसमें यह प्रसंग नहीं आया, आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, भविष्य पुराण कहती है पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काटकर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में उतने मनुष्य को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही है, ये निश्चित है भविष्य पुराण के अंतर्गत। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है, तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा, ये निश्चित है, उस रोग को काटने। मरने से पहले जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है, 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है वो 3 जगह से निकल कर जाता है, एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा।
क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नखून बड़ा है उसको काट कर देखना दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कण नहीं होता। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता, केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में उसने जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत उपवास साधना दान पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बने। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया तब भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्मा को चुप करा और भगवान शंकर की आराधना करी, हे शिव कृपा करिए, भोलेनाथ कृपा कर। शिव जी ने पूछा क्या हुआ नारायण? नारायण कहते हैं आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी को क्षमा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, पर भगवान विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा जी का जो सिर कटा है लुढ़क कर गया है, झूठ बोलने वाला ये सिर जो लुढ़क लुढ़क कर गया है, इस सिर का कुछ कर दो, क्योंकि ये संसार में पड़ा रहेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा भगवान नारायण आप कह रहे हो तो मैं वर देता हूं, ब्रह्मा जी का ये सिर बट वृक्ष बनेगा, बड़ का पेड़ बनेगा, इस बट वृक्ष के नीचे किसी देवता की पूजन भले नहीं होगी, पर मैं इस बट वृक्ष के नीचे विराजमान होऊंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव। सुनो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे सिर को सही कर दिया, बड़ का पेड़ बना दिया, अब आप संसार के लोगों के लिए कुछ वर प्रदान करो जिससे जीवों का कल्याण हो। जीवों का कल्याण है। आज अगर यादव परिवार कथा करवा रहा है, डॉक्टर कृष्णपाल जी अगर कथा करवा रहे हैं सांसद महोदय, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं है, संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण विश्व। महाराज भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी अब आप संसार के हित के लिए कुछ करिए, ब्रह्मा जी ने वर दिया बट वृक्ष के नीचे जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण आदि आदि कर्म करेगा उसके पूर्वजों का मृत्यु लोक में कोई अंश नहीं रहेगा और वो देव लोक में जाकर विराजमान हो जाएंगे, पितृ लोक से उनकी मुक्ति हो जाएगी, पितृ लोक। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृ लोक, जितना बेकुंठ सुंदर है, जितना गौलोक धाम सुंदर है,
उससे भी ज्यादा सुंदर है पितृलोक, जहां पर हमारे पूर्वज हमारे पितृ रहते हैं, सबसे सुंदर। और उन पितृलोक की बेटियां भी कितनी सुंदर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पितृलोक की तीन बेटियां हैं पितरों की, पहले नंबर पर मैना पार्वती जी की माँ, दूसरे नंबर पर सुनैना माता जानकी की माँ, तीसरे नंबर पर कीर्ति राधा जी की माँ। ये पितरों की बेटियां हैं। जिस पितृलोक में इतनी सुंदरता है, शिव महापुराण की कथा कहती है बैकुंठ धाम से भी लाख गुना सुंदर है पितृलोक, जहां पितृ रहते हैं, जहां पितृ निवास करते हैं। बहुत सुंदर था पितृलोक। और पितरों के देवता आर्यमा माता अदिति के पुत्र, वो भी बड़े सुंदर। काय पे बैठते हैं? कौए पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी वो तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को बना दिया, नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कुछ था तो कौआ था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी एकदम सफेद, बगुले और हंस भी उसको देखकर जलते थे, इतना सुंदर था कौआ। इतना मीठा बोलता था कौआ कि उसकी वाणी निकलती थी तो कोयल को भी ईर्ष्या होती थी, इतना इतना मीठा कौआ बोलता था वो तो। एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा गया जी, और उस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा, तुरंत कौए को बुलाया, आर्यमा स्वामी को बुलाया कि मैं पितरों के उद्धार के लिए यज्ञ कर रहा हूं। आर्यमा स्वामी ने कहा बिल्कुल करिए, आपके वाहन कौए की मुझे जरूरत है, ये लीजिए। कौए को कहा जाओ ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कौए बैकुंठ के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमृत का कलश छुपा हुआ है, तू बड़ा विद्वान है, तू जा सकता है, अमृत ला सकता है, पर मेरा निवेदन है कौए तू अमृत को लेकर मत आना, तू केवल अमृत का पता लगा कर आना कि अमृत रखा था। कौआ उड़ते उड़ते गया, उड़ते उड़ते गया, कई दिन कौए को अमृत ढूंढते ढूंढते हो गए पर अमृत नहीं मिला, कौआ थक गया। ब्रह्मा जी ने कहा था जब तक अमृत ना मिले तब तक लौट कर मत आना, कौआ थक गया। आर्यमा स्वामी से पूछा, स्वामी आप मेरे सेठ हैं, आप स्वामी हैं, आप बताओ अमृत कहां रखा है। आर्यमा स्वामी ने कहा मुझे मालूम होता तो मैं अमृत तुझे पहले बता देता। कौए से कहा तुम ढूंढो। कौआ एकदम सफेद मीठी वाणी बोलने वाला उड़ते 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 सारे लोकों में घूम कर आ गया, मृत्यु लोक में आया, शिव की आराधना करी, आप बताओ अमृत कहां रखा है। शंकर जी ने इशारा कर दिया तुम कैलाश के पीछे जाओ, और उस कैलाश के पीछे उत्तराखंड का जो आनंद है वहां देव शिखर है। कभी आप नेट पे सर्च करना, मोबाइल पर निकालना, उत्तराखंड की भूमि पर देव शिखर नाम आता है, देव शिखर जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था। कौआ उड़ते उड़ते गया, कलश को देख लिया, थक गया, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, कौए ने उस अमृत के कलश को देखा और उसमें से थोड़ा सा अमृत मुख में चोंच में रख लिया, चोंच में रखा, आया ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अमृत वहां रखा हुआ। ब्रह्मा जी गए अमृत का कलश लेकर आए, जैसे ही अमृत के कलश में से अमृत निकालकर ब्रह्मा जी गयासुर की छाती पर मलने लगे यज्ञ करने के लिए, इतने देर में कौए ने कह दिया ये अमृत को तो मैंने झूठा कह दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्रोध आते से ब्रह्मदेव ने कहा रे कौए तेरी बुद्धि काली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा स्वरूप गोरे से काला हो जाए, और तूने अमृत को झूठा करा है इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तेरी वाणी बेकार। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौआ, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कौआ, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते थे, और पितरों के देव आर्यमा बैठकर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक 16 श्राद्ध में पहुंचाते थे। 16 शादी में
जब मंडप बनता है आम के पत्ते जामुन के पत्ते बांस लगाकर जब मंडप बनाया जाता है उस मंडप में जो मानक खंभ लगता है उस मानक खंभ के अंदर जो चिड़िया लगती है दुनिया के लोगों को लगता है कि वो चिड़िया लगी है और उस मानक खंभ के अंदर हमारे पूर्वज जिस कौवे पर बैठकर आर्यमा स्वामी के साथ आते थे उस आर्यमा स्वामी का प्रतीक है वो मानक खंभ। इसलिए आज भी विवाह में मंडप होता है तो सबसे पहले पूर्वजों के नाम की ही वहां पितरों के नाम की ही धूप का स्मरण होता है। अब यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो नहीं मालूम पर हमारे यहाँ आज भी उधर मालवा क्षेत्र में जब मंडप होता है तो मंडप में धूप दिलाई जाती है या मंडप की पूजन होती है तो पूर्वजों के नाम से पितरों के नाम से पत्थर रखकर सिलिया रखकर उसकी पूजन कर फिर स्मरण करा जाता है पूर्वजों का पितरों का। केवल पितर 16 श्राद्ध में ही नहीं पूजे जाते जहां शादी का मंडप होगा वहां पूर्वजों का स्थान है। आर्यमा कौए को श्राप दे दिया। सबसे सुंदर लोक है पितृलोक बहुत सुंदर। पितर कभी भी उस पितृलोक से जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में सबसे कम रहते हैं और सबसे ज्यादा भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। तुम्हारे जैसे ही है भगवान नारायण भी कम है क्या? आपके रिश्तेदार अगर मिलने के लिए आए तो आप घर पे मिलोगे कि दुकान पे मिलोगे? अरे बोलो तो जम के। वो तो पत्नी फोन लगा के बोलेगी कि काका जी आए हैं तब तुम दुकान छोड़ के आओगे। एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा कि मैं तो मरने के बाद वैकुंठ जाना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या करेगा वैकुंठ में आकर? कि लो प्रभु हम तो आपके चक्कर में वैकुंठ आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि वैकुंठ आकर क्या करोगे? दुनिया के लोग कहते हैं हमें वैकुंठ जाना है हमें वैकुंठ जाना है हमें वैकुंठ जाना है पर भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कहा करूं मैं वैकुंठ के जा मुझे वैकुंठ नहीं जाना मैं वैकुंठ जाके क्या करूंगा। तो किसी ने पूछा वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते? सूरदास जी लिखते हैं वैकुंठ में जाकर मुझे करना क्या है क्योंकि अगर मैं वैकुंठ जाऊंगा तो वहां पर एसी का रूम मिलेगा डनलप के गद्दे मिलेंगे सोना चांदी के कटोरे मिलेंगे खाने के लिए 56 भोग मिलेगा सब कुछ मिलेगा लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में मिलेगी। पर जिसके चक्कर में मैं वैकुंठ जा रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा भगवान विष्णु से आप वैकुंठ में नहीं रहते? भगवान बोले नहीं 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 मैं वैकुंठ में नहीं रहता बस रात्रि को सोने आता हूँ बाकी के समय कहाँ रहते हो? तो कहा मैं पितृलोक में रहता हूँ। पितृलोक में क्यों? तो भगवान विष्णु कहते हैं जब संसार के मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाला मानव जब भगवान की कथा सुनता है तो मैं जो कथा सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठता है भगवान विष्णु कहते हैं उनके घर के पितरों के कंधे पर मैं हाथ रखकर कथा सुनता हूं इसलिए मैं पितृलोक में रहता हूं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब आपके घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हाथ पितृलोक में भगवान विष्णु हम सब के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तुम्हारे बच्चे भजन गा रहे हैं तुम्हारे बच्चे पुण्य कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। ये हमारे घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। आप कथा में रहते हो तो 3 घंटे मेरे नारायण आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद पितर बड़े खुश होते हैं बहुत खुश। कथा आती है ना एक रहनी नाम की एक बहन थी उसका भाई था रहु। क्या नाम है? रहु। इस कथा को सुनना कहते हैं श्राद्ध पक्ष में यह कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हों तो रहु और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहु की कथा है।
अशोक नगर के सभी श्रोता दिल से सुनिएगा, इस कथा को श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुनना चाहिए। रहनी जिसका पति नहीं है, घर में दो बच्चे हैं, छोटे हैं बहुत, और ये रहनी और रहु ये दोनों बहन भाई हैं। रहनी के माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, केवल घर में दो बच्चे हैं। लकड़ी संविदा तोड़ कर लाती है और उसको बेचकर देकर थोड़ा सा चना इकट्ठा कर अपने बच्चों का पेट भर देती है। भाई रहु जिसकी धर्म पत्नी थोड़ी प्रीतता ससुराल में कम थी, एक बात का थोड़ा स्मरण रहे अपने जीवन में, मेरा बेटियों से माताओं से एक निवेदन पहले भी रहा है आज फिर करते हैं कि जब आपका मंगल विवाह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह के बाद में प्रयास करना कि इस शरीर को, इस मन को, चित्त को मायके से ज्यादा ससुराल में लगाने का प्रयास करना, तो कोई घर नहीं टूटे। इस शरीर को थोड़ा और मन को, चित्त को थोड़ा सा मायके से ज्यादा घर में लगाने का, ससुराल में लगाने का प्रयास करें। हम मना नहीं करते, माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक बेटी को माता पिता के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेम खत्म करें, प्रेम पूर्ण रहे, पर आपका समर्पण ससुराल के प्रति ज्यादा। कारण क्या होता है, आप मायके में एक रुपया भी मत भेजिए, पर आप मायके से ज्यादा प्रीति रखेंगे तो एक ना एक बार सास ससुर देवर जेठ कुटुंब कबीले के मुख से निकल जाएगा, सब यही भर रही होगी लेना कर। और भले बेचारे मायके वाले अपना गुजारा खुद कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, पर एक इल्जाम लग जाता है कि ये दे रही है, इसलिए प्रीत का रखो पर थोड़ी। रहनी अपने मायके से ज्यादा प्रीतता नहीं रखती। भाई रहु का बड़ा प्रेम था भाभी घर में। अब श्राद्ध पक्ष का समय आया, रहु ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी को गए हुए समय हो गया, माता को गए समय हो गया, दादा दादी को गए समय हो गया, मैं गया का पिंड करने के लिए जा रहा हूं। प्रयागराज काशी गया, यहां पिंड देकर मैं पुनः वापस आऊंगा और शिव जी की आराधना कर अपन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। तुम एक काम करना, अपनी धर्म पत्नी से रहु कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मैं जहां जहां पिंड दान करने के लिए जाऊं, आप दादा दादी के श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा रहे, किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन कराइएगा। जब यह सुना तो धर्मपत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, ब्राह्मण को भोजन करने बुलाऊं और ब्राह्मण अपने घर में ना आए, उसका एक कारण था, जिस ब्राह्मणों के घर के पास रहु रहता था, रहु की धर्मपत्नी इतनी ज्यादा लड़ोकी थी, इतनी लड़ती थी कि जितने ब्राह्मण आसपास में रहते थे उनकी सबकी पत्नी से रहु की पत्नी का झगड़ा हो चुका था, तो ब्राह्मण भोजन करने इसके घर में नहीं आए। रहु की पत्नी ने कहा, मैं ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और वो नहीं आए तो रहु ने जाते जाते कह दिया, एक काम करो, मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भोजन करने के लिए बुला। सनातन धर्म के अंतर्गत एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना मतलब 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। सनातन धर्म की रीति है ये महाराज।
एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। तो तुम एक काम करो, मेरी बहन बहनी को बुलाओ और अपने भांजा भांजी को बुलाओ, क्योंकि भांजा भांजी छोटे हैं, अकेले आ नहीं सकते, उनको बुलाकर भोजन कराओ। अब पति ने कहा कि तुम उनको भोजन करा देना और पति चले गया। धर्म पत्नी इतनी विचित्र थी कि उसने अपनी ननंद को बुलाया तो सरी, पर भांजा भांजी को मना करवा दिया कि उनको लेकर मत आना। और भोजन करने के लिए ननंद को नहीं बुलाया, भोजन का काम करने के लिए ननंद को बुलाया और निमंत्रण मायके वालों को दे दिया कि श्राद्ध में मेरे दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है, आप सब आओ। मायके वाले श्राद्ध का भोजन करने आ गए, ननंद को निमंत्रण देकर बुलाया, जी जी आपकी माताजी और पिताजी का श्राद्ध है, अगर आप नहीं आओगी तो श्राद्ध में अच्छा नहीं लगेगा। ननंद आई और ननंद ने आने से पहले अपने बच्चों से कहा कि मैं नाना के घर जा रही हूँ। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, माँ आप हम दोनों को छोड़कर जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, हम भी चलना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे मामी जी ने केवल मेरा निमंत्रण करा है, मैं जाऊंगी, तुम रुको। माँ दो दिन से लकड़ी नहीं मिली, जलवृष्टि हो रही थी, लकड़ी नहीं मिल पाई, तू बेच नहीं पाई, दो दिन से अन्न घर में नहीं आया, हमें भोजन नहीं मिला, माँ आज तू चली जाएगी फिर भोजन कौन देगा। ये श्राद्ध पक्ष की कथा है, जो नारी जो पुरुष इसको दिल से सुन लेता है, इसलिए आपको साला सर जी मैं कहा था ये तर्पण शिव महापुराण की कथा है। जितने भी भारत भूमि के देश और विदेश में बैठकर लोग इस कथा को सुन रहे हैं, 7 दिन प्रतिदिन नूतन तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुनो। और अपने पूर्वजों को आपने तर्पण करा ना करा, पिंड दिया ना दिया, ब्राह्मण भोज कराया ना कराया, 1 बजे से 4 बजे तक अगर शिव महापुराण की कथा दिल से सुन ली तो पूर्वजों को सब प्राप्त हो जाएगा और उनकी मुक्ति। सुनो बेटा बेटी कह रहे हैं, माँ 2 दिन से भोजन नहीं मिला है, माँ हम बहुत भूखे हैं। माँ माँ कहती है तेरे नाना और नानी का श्राद्ध है, मैं जा रही हूँ, मैं मामी से कहूंगी कि बच्चे भूखे हैं तो भोजन दे देगी मामी। इसको नहीं मालूम था कि ननंद को केवल काम करने के लिए बुलाया। रहनी गई, घर में पहुंची, बहुत मेला लगा हुआ था मायके का, खुश हो गई रहनी, आज मेरे माता पिता का श्राद्ध हो रहा है और इतने मेहमान आए। जब माता पिता के श्राद्ध में 10 ब्राह्मण 20 ब्राह्मण 25 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ननंद नहीं होगी जिसके चेहरे पर प्रसन्नता ना हो कि मेरे मायके में इतने लोग भोजन करते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है, मुझे गर्व महसूस होता है इतने लोग भोजन करते हैं मेरे मायके में। मेरे जब दादाजी का श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ सारे ब्राह्मण आते हैं, इतने लोगों को बुलाया जाता है, इतने रिश्तेदार आते हैं, ननंद खुश होती है, आंख में जल नहीं भरता ननंद को। रहनी की आंख में खुशियों के अश्रु आ गए, मेरे माता पिता कितने भाग्यशाली हैं, जो जैसा होता है उसके मरने के बाद भोजन भी वैसा ही होता है, जो मरा उसके हृदय में खुशियां रहती है ना कि इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ। ये जो मिला है ये आपका नहीं है, ये आपके पूर्वजों का है। हम आदरणीय सांसद महोदय जी से भी कहे कल कि आप अगर इस क्षेत्र के सांसद बने हैं तो ये आपके पिता की पुण्याई है जिनके बल पर आप बैठे, ये पिता की पुण्याई है। कितना मुश्किल, बड़े से बड़े सूरमा भी इस संसदीय क्षेत्र में आके चले गए थे, पर कहीं उनकी पुण्याई होगी और महादेव की कृपा होगी, राजराजेश्वर की करुणा होगी तो बिठा था, या उसकी कृपा। रहनी प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है, रहनी की आंख में आज खुशी अपार खुशी, उस खुशी का कोई बखान नहीं कर सकता। एक ननंद से पूछा जाए, बेटी से पूछा जाए, इतनी माताएं मेरी अशोकनगर की बैठी हैं, पूरे पंडाल
जहां जाकर देखो पंडालों में मेरी माताएं और भाई बैठे हुए हैं। मैं इन माताओं में से पूछना चाहूंगा, ये भी किसी ना किसी की ननंद है, इन सब से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे मायके में जब भोजन होता होगा श्राद्ध का, और जब भाभी प्रेम से भोजन कराती होगी, दो ब्राह्मण, चार ब्राह्मण, छह ब्राह्मण जब जीमते होंगे, ब्राह्मण के साथ में मेहमान भी जीमते होंगे, तो जितनी मेरी माएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, नंदे बैठी हैं, इनके चेहरे पर प्रसन्नता होती कि नहीं होती? इनके चेहरे पर अलग प्रसन्नता आ जाती है कि हमारे यहां इतने जीमते हैं। ये जब किसी को बताती है ना, तो बड़ी खुश होकर बताती है, हमारे यहां इतने लोग जीमते हैं, श्राद्ध आता है हमारे दादाजी का, हमारे काका जी का, तो हमारे यहां इतने जीमते हैं, हमारे यहां इतने लोग आते हैं, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, 25-50 लोग भोजन करते हैं, हमारी भाभी भोजन बनाती है, उनके साथ भोजन बनाने के लिए हम भी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, साथ भोजन बनाते हैं। और शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण कथी है, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण कथी है, स्वयं गरुड़ पुराण कथी है कि घर में जितनी माताएं रहती हैं, अगर वो घर में भोजन बनाती हैं श्राद्ध पक्ष में, और जितनी माताएं मिलकर भोजन बनाती हैं, जब वो चिमाती हैं, तो केवल ससुराल वालों को उसका भाग नहीं मिलता, मायके वालों को भी उसका आधा भाग प्राप्त हो जाता है, जितनों के हाथ लग जाता है, जितनों के हाथ। बड़ी प्रसन्न है रहने, रहु कहकर चले गया, जाओ धर्म पत्नी ने जाकर निमंत्रण तो दिया है रहनी को, रहनी के बच्चों ने कहा आप अकेली जा रही हो मां, हमें लेकर नहीं, तुम्हारी मामी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब गणेश जी महाराज अपनी धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर किसी व्रत का उद्यापन उजमना करते थे, ये उद्यापन जितने व्रत आप लोग करते हैं माताएं, इसका जो उद्यापन करते हो ना, उद्यापन उजमना करना, उद्यापन करना, ये उजमना उद्यापन सबसे पहला किसने करा था? गणेश जी महाराज ने अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर सारे व्रतों का उद्यापन करा है। गणेश जी महाराज जब रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर अपने पत्नियों के साथ मिलकर जब उजमना करते थे, उद्यापन करते थे, सबसे पहला निमंत्रण श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर अपनी बहन अशोक सुंदरी को देते थे। अशोक सुंदरी से जाकर कहते थे, और अशोक सुंदरी से एक बात जरूर कहते थे, बहन तू आए चाहे ना, पर तेरे बच्चे बेटा और बेटी को भेज देना। अब अशोक सुंदरी के बच्चे कितने थे? 100 तो लड़कियां थी, और लड़कों का क्रम ऐसे, अशोक सुंदरी के इतने बेटा बेटी थे, तो गणेश जी कहते थे तू भले आ चाहे मत, पर तू एक काम करना, तेरे भांजा बेटा बेटी को हमारे यहां भेज देना भोजन करने के लिए। तो अशोक सुंदरी पूछती थी भैया गणेश से, गणेश क्या तुम ब्राह्मण को भोजन करने नहीं बुला रहे? हमने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, अगर मान लो 10 ब्राह्मण को बुलाया, एक ब्राह्मण के यहां कोई काम अटक गया, जो ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने नहीं आया, वो भूखा अपने घर पे रह गया, हमारा निमंत्रण हमने दिया, उसने स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी नहीं आ पाया, तो उसका दोष हमको लगेगा, अगर वो भूखा रहेगा तो। उस दोष को मिटाने के लिए अगर भांजा भांजी घर में भूखा कर लेते हैं, तो हजारों ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाता है। गणेश जी महाराज अपनी बहन अशोक सुंदरी के बच्चों को निमंत्रण दे देते। आज रहनी और रहु की कथा आधी रह गई है, इसको कल के प्रसंग में लेंगे, क्योंकि एक समय अवधि भी रहती है चैनल की, और अगर आधी कथा हम यहाँ सुना देंगे और आधी पूरे देशवासी रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए रहनी रहु की कथा जितने लोग श्रवण कर रहे हैं इनसे निवेदन है, आधी अर्पण शिव महापुराण की कथा का आनंद लो। आज कथा को यहीं विराम देते हुए